हेलो फ्रेंड्स, राज पीएस न्यूज में आपका हृदय दिल से स्वागत है। मोहम्मद रफी साहब की बेहतरीन आवाज किस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्या टिप्स है, क्या रहस्य है, क्या उसमें कशिश है, क्या दर्द है, दर्द किस तरह से आएगा। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहे, खुश 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 होश खुश खुश खुश। तो इस तरह से आपको देखना है, इंटरनेशनली आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो वो आपको आना ज़रूरी हो जाता है, वो लेवल का, वो अक्षरों का, वो तहजीब का, वो प्रोनंसिएशन आपको आना ज़रूरी हो जाता है, तभी जाके वो सूट होगा। कितना मज़ा आएगा आप अगर वही लेवल से गाएंगे, अगर आपने उसको थोड़ा सा अलग गाया, अलग तो वो पहचान में आ जाएगा। तो उससे खुश रहे खुश खुश रहे है ना मेरे, खुश खुश रहे खुश 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 खुश। तो ये जो फ़र्क है वो आपको आना ज़रूरी हो जाता है। जो आप सुन रहे हो भाई साहब, वही गाइए और वही स्केल में गाइए, जिससे वो एक अलग से पहचान बन जाए आपकी और उस आवाज़ से वो टच हो जाए। खुश रहे ना खुश खुश रहे ना मेरे, तो वो एक मुर्किया आवाज़ों में होना ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस थोड़ी सी, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको भी काफ़ी नए टिप्स मिलेंगे, जिससे आप वो आवाज़ को क्लियरिटी से पकड़ सके। तो यही वो खासियत है, खासियत है, खासियत है, खासियत है, खासियत है। ये बोलने का वो तरीका, लहजा है, वो बोलने का लहजा है, वो बोलने का लहजा है, तरीका है, तरीका, देखिए तरीका है, तरीका है, तरीका है। तो इस तरह से वो लहजा है, वो हिंदी में, वो उर्दू के वो टच है, तो वो गाते हैं वो। खुश रहे ना मेरे यार। इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए नए टिप्स के साथ। थैंक यू मच।